नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब बारी है स्पीकर की। आखिर मोदी 3.0 में लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर तमाम अटकलें सामने आ रही हैं। स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी और एनडीए के कई घटक के दलों के बीच आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला की दावेदारी एक बार फिर से सबसे आगे दिख रही है। इस दावेदारी को और जोर तब मिल जाता है जब मोदी 3.0 के कैबिनेट का शपथ हो रहा था। उस लिस्ट में ओम बिरला का नाम न होना इन अटकलों पर मुहर लगाता है कि स्पीकर पद पर इनकी दावेदारी सबसे प्रबल है। आपको बता दें कि टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा जब उनकी पार्टी में किसी तरह की तोड़फोड़ की कोशिश होगी। अगर स्पीकर पद टीडीपी के पास आता है तो इंडिया लाइन समर्थन देने को तैयार है। नई सरकार बनने पर सबसे पहले सदन के सबसे वरिष्ठ मेंबर को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इस बार बीजेपी के वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के कोडी कुन्निल सुरेश ऐसे दो सदस्य हैं जो सबसे ज्यादा सातवीं बार चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार कैबिनेट में शामिल हैं, लिहाजा कांग्रेस के सुरेश प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर सांसदों की शपथ करवाने के साथ ही स्पीकर का चुनाव भी करवाते हैं। स्पीकर का चुनाव आम बहुमत से होता है। पिछले लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली ही रहा था। इस बार यह पद भी एनडीए के किसी घटक दल को दिया जा सकता है। एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्पीकर पद टीडीपी के पास था। तब जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने थे। उनके बेटे जीएम हरीश मधु टीडीपी से चुनाव जीते हैं। टीडीपी उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाकर दलित नेता को बड़े संवैधानिक पद पर ले जाने का श्रेय ले सकती है। अब सवाल उठता है कि पुरंदेश्वरी के स्पीकर बनने की संभावना आखिर क्यों है। स्पीकर पद के लिए आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी चर्चा में है। पुरंदेश्वरी मनमोहन सरकार में मंत्री थी। वे टीडीपी संस्थापक रामाराव की बेटी हैं और नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी उनकी बहन है। ऐसे में बीजेपी उनके नाम पर नायडू को मना सकती है। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि बीजेपी के सहयोगी दल और किंगमेकर कही जाने वाली पार्टियां टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इस पद की मांग बीजेपी से कर चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी से किसी को भी देने के इच्छुक नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ दलों के अंदर विद्रोहों के कई मामले सामने आए, जिसके चलते पार्टियों में ही विभाजन देखने को मिला है और कई जगह राज्य सरकारें भी गिर गई। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है और ये कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तिशाली स्थिति देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। यही वजह है कि दोनों नेता इस पद पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि अभी भी ओम बिरला का नाम सबसे आगे चल रहा है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला की दावेदारी एक बार फिर सबसे आगे दिख रही है। जब मोदी 3.0 के कैबिनेट का शपथ हो रहा था, उस लिस्ट में ओम बिरला का नाम न होना इन अटकलों पर मुहर लगाता है कि स्पीकर पद पर इनकी दावेदारी सबसे प्रबल है। आपको एक बार फिर से बता दें कि टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा जब उनकी पार्टी में किसी तरह की तोड़फोड़ की कोशिश होगी।